हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी है मोमोज की स्पाइसी चटनी। इसे बनाने का मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करिए, और भी आने वाले रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते आज की रेसिपी बनाने के लिए। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी लिया है। इसके अंदर हम टमाटर और सूखी लाल मिर्च को बॉईल करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है। 4 टमाटर इसे क्लीन कर लिया है, 6 सूखी लाल मिर्च, 5 लहसुन के कलियां, छीला हुआ लहसुन, स्वादानुसार नमक, और मैंने यहाँ पे पिज्जा स्पाइस लिया है। जो पिज्जा खाते हम उसके ऊपर टॉपिंग करने का मसाला है, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टमाटर कट कर लेंगे। टमाटर का ये वाला जो हिस्सा है, टमाटर का ये ऊपर वाला हिस्सा, इसे काट के फेंक देंगे। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरह से इसे काट लेना है। इसे काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड से इस तरह से क्रॉस में कट लगा लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा करने से टमाटर जब बॉईल होते हैं तो इसके ऊपर का छिलका बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे क्रॉस में काट लिया है। ये 4 टमाटर काट के पानी के अंदर डाल दिए हैं। अब हम पानी के अंदर ये सूखी लाल मिर्च डाल के इसे बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है, इसके ऊपर ये रख देंगे बॉईल होने के लिए। अब हम इसके ऊपर लीड लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक पकने देंगे। इसे बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, खाली 1 से 2 मिनट तक ही हम इसे बॉईल होने देंगे। इसके ऊपर लीड लगाने से टमाटर बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टमाटर पक चुके हैं, इसके ऊपर का छिलका निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑफ करके इसे नीचे उतार लेंगे और इसे फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टमाटर और ये लाल मिर्च एक प्लेट के अंदर मैंने निकाल ली है। इसके ऊपर का इस तरह से छिलका निकाल लेना है। टमाटर के ऊपर का मैंने यहाँ पे 4 टमाटर के ऊपर का छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की वजह से बहुत जल्दी पीसे जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे टमाटर काट लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडर जार के अंदर एक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर ये लाल मिर्च डाल देंगे जो हमने अभी बॉईल करके रखी थी। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और स्वादानुसार नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, टमाटर और लाल मिर्च ठंडा होने के बाद ही इसे पीसना है। मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राइंडर जार से मैंने चटनी एक बोल के अंदर निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर एक पिज्जा स्पाइस डाल देंगे। ये डालने से मोमोज की चटनी के अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। चटनी के ऊपर पिज्जा स्पाइस डालना ऑप्शनल है। यहाँ पे अपनी मोमोज की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। आने वाला नेक्स्ट वीडियो मेरा घर पे मोमोज कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी है, तो आप जरूर देखना। अगर आपको ये चटनी पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।